हेलो दोस्तों, जिग जैग की वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के बारे में कि अगर आप फ्री में इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर को कैसे यूज करेंगे। वैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर फ्री वर्जन में कुछ ही दिन काम करता है, उसके बाद आपसे इसकी प्रीमियम वर्जन को खरीदने को कहता है। आज हम आपको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के एक फ्री अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है एबी डाउनलोड मैनेजर। वैसे तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन कैसे इसका इस्तेमाल करना है वह आगे वीडियो में देखते हैं। सिंपली इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे गेट ऐप की बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने गेट ऐप का एक छोटा सा पॉप विंडो खुल जाएगी। यहां से आप विंडो और लिनक्स दो प्लेटफॉर्म के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं विंडो, तो विंडो एक्सी फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। एक छोटा सा सेटअप है, 43 MB का है, जो कि तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हम यहां से एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर। यहां पर दो ब्राउजर है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल क्रोम को, तो गूगल क्रोम की बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप फायरफॉक्स से कोई इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आप क्रोम वेब स्टोर पर आ जाएंगे। यहां से हम एक्सटेंशन को ऐड करते हैं अपने क्रोम के अंदर। क्रोम में इंस्टॉल होने के बाद हम जाएंगे इस सॉफ्टवेयर के सेटअप को इंस्टॉल करने। इसके लिए यहां से हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाकर ऐप पर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके इस तरीके से ऐप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया सामान्य एप्लीकेशन की तरह इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद फिनिश की बटन पर क्लिक करके इस विंडो को क्लोज करेंगे। अब हम इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड करेंगे, तो जिस तरीके से इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का पापा विंडो आई थी, वैसे ही यहां पर भी आपको विंडो आपको दिखाई देगी, जहां पर आप डाउनलोड की बटन पर क्लिक करके कोई भी फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे, वह भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी प्रीमियम वर्जन इसका बाय नहीं करना है। और जो फीचर आपको IDM यानी इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के अंदर मिलता था, वह सभी फीचर्स आपके यहां पर फ्री में मिलने वाला है। तो इस तरीके से आसानी से आप IDM की जगह पर AB इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट होने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।